बागली से गुजरने वाला इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर अंध गति से दौड़ने वाले डंपर छोटे वाहन चालकों के लिए काल बनकर दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। रविवार की दोपहर उक्त हाईवे पर एक डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। खातेगांव निवासी पीयूष उर्फ मोनू गर्ग व पिता सुरेश चंद्र गर्ग खातेगांव से व्यापार संबंधित काम के लिए इंदौर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान बागली पुलिस थाना क्षेत्र के चापड़ा समीप हाईवे मार्ग पर सामने से आ रहे डंपर से कार की भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार मोनू गर्ग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पिता सुरेश चंद्र गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर 100 डायल चापड़ा पायलट रवि पटेल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को शासकीय अस्पताल बागली ले जाया गया, जहां पर बागली थाना प्रभारी दीपक यादव की उपस्थिति में प्राथमिक उपचार कर इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं मोनू गर्ग के शव को शासकीय अस्पताल बागली पहुंचाया गया, जहां पर उसका पीएम किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।